नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मैं आप लोगों को पखलबाग के साथ खाने वाले चोखा बना के दिखाऊंगी, जिसको आमतौर पे हम ओडियावासी पखल भात के साथ ही खाते हैं, जिसको हिंदी में और बंगाली में पांता भात बोलते हैं। उसी के साथ ही हम ये चोखा स्पेशली बना के खाते हैं और इसको हम भून के ही बनाते हैं। पखल भात के साथ इस चोखा का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में। तो चलो शुरू करते हैं उस चोखा की रेसिपी। चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बैंगन, दो टमाटर, एक अरबी और एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। पहले हम सबको भून लेंगे। यहाँ पे अरबी और आलू को मैं माइक्रोवेव में भून लूँगी और बैंगन और टमाटो को मैं गैस की चूल्हे में भूनूँगी। तो चलो हम सबको पहले भून लेते हैं। हम आमतौर पे इसको मिट्टी के चूल्हा में ही भूनते हैं, लेकिन ये तो अब संभव नहीं है। हर घर में मिट्टी का चूल्हा तो अब नहीं रहता है, इसीलिए हम गैस में ही सबको भून लेते हैं। मैंने सबको भून लिया है। अब हम सबको एक प्लेट में ले जाएंगे, थोड़ी देर सबको ठंडा होने देंगे। अब हम सब वेजिटेबल्स का छिलका उतार देंगे। मैंने सब वेजिटेबल्स का छिलका उतार दिया है ठीक से। इसके साथ हम एक स्पेशल प्याज डालेंगे, जिसको हम उड़िया में सरू प्याज बोलते हैं, लेकिन इसको छोटे प्याज हिंदी में बोलते हैं। इसी प्याज का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। आपके पास अगर छोटे प्याज नहीं है तो आप नॉर्मली जो प्याज मार्केट में मिलता है इसका भी यूज कर सकते हैं। चोखा बनाने के लिए हमको एक बड़ा पात्र चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले गई हूँ। इसके साथ अब स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। इसके साथ हम पानी के बदले यहाँ पे हमारे पखल भात में जो पानी है इसको डालते हैं। मैंने भी वही डाल दिया। अब हम हाथ से ही सबको मास करेंगे। आमतौर पे हम पखल भात में जो पानी होता है उसमें ही चोखा बनाते हैं। इसका स्मेल और हमारे वेजिटेबल्स का जो स्मोकी स्मेल मिलते हैं उसका बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आता है खाने में और बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे चोखा को तीखा बनाने के लिए यहाँ पे मैं दो ग्रीन चिली डाल दिया और वो जो छोटे वाला प्याज है उसको भी डाल दिया। सबको अच्छी तरह से हम हाथ से मास कर लेंगे। अब मैं उसमें उड़द दाल की बड़ी भी डाल दी, जिसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है चोखे में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम लास्ट में मिक्सर डाल लेंगे। आपके पास अगर अवेलेबल हो तो डालें, अगर ना हो तो ना डालें। इसमें इतने में ही हमारा चोखा बहुत अच्छा लगेगा। तो लास्ट में मैं मिक्सर को डाल देती हूँ और मेरा चोखा अब रेडी है खाने के लिए। अब रेडी है हमारे पखल भात के साथ खाने वाला चोखा। आप अगर उड़ीसा की पखल भात की रेसिपी बनाते हैं तो इस चोखा को बनाना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।